हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट स्टेट के कुछ फीचर्स के बारे में, जो कि लिमिट स्टेट और WSA वर्किंग स्टेट्स मेथड के बीच में कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। साइलेंट फीचर्स ऑफ LSM, मतलब कि इसके कुछ फीचर्स हैं जो LSM के बारे में बताता है क्या क्या इसमें होते हैं। पहला पॉइंट है कि फेलियर इज बेस्ड ऑन स्ट्रेन इन मटेरियल। LSM से डिजाइन किए हुए स्ट्रक्चर में जो फेलियर होते हैं वो मटेरियल के स्ट्रेन पर बेस्ड होते हैं। जब हम इसके एजम्पशन के बारे में बात करेंगे, एजम्पशन में मैं इसका बताऊंगा कि कैसे फेलियर जो होगा मेटल का वो स्ट्रेन पर बेस्ड होता है। ठीक है, दूसरा है पॉइंट इसका कि प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच ऑफ डिजाइन, डिजाइन में प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ स्टील इज लेस एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ स्टील इज बेटर। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कम एज्यूम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्क्रीट, क्योंकि स्टील में क्वालिटी कंट्रोल पे कमांड ज़्यादा होता है, क्योंकि लैब में प्रिपेयर किया जाता है, लैब में मैन्युफैक्चर किया जाता है और कॉन्क्रीट को साइट पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो वेदर वेरिएशन एंड टेम्परेचर वेरिएशन के वजह से हमारा इफेक्ट कम पड़ता है स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है LSM गिव्स स्मॉलर सेक्शन डायमेंशन विथ मोर अमाउंट ऑफ रिइंफोर्समेंट कम्पेयर टू WSM। ठीक है, WSM का स्ट्रक्चर जो बनता है उसका थिकनेस ज़्यादा होता है, मोर थिक होता है, लेकिन अमाउंट ऑफ रिइंफोर्समेंट वहाँ पर कम होता है। ठीक है, लेकिन LSM में थिकनेस कम होगा लेकिन अमाउंट ऑफ रिइंफोर्समेंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू WSM का स्ट्रक्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेक्शन इज डिजाइन फॉर अल्टीमेट लोड। देखिए, सेक्शन को डिजाइन किया जाता है अल्टीमेट लोड के लिए LSM में, जबकि यही सेक्शन को डिजाइन किया जाता है वर्किंग लोड या फिर सर्विस लोड के लिए जब हम WSM से स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे होते हैं। मतलब ये कि जो स्ट्रक्चर हमको WSM से डिजाइन करना है उसमें हम लोग जो लोड को कंसीडर करके चलते हैं कि जितना लोड वो यूज में आएगा, जितना वो सर्विस देगा, उतना ही लोड के लिए उसको हम लोग डिजाइन करते हैं, उससे ज़्यादा लोड के लिए नहीं। लेकिन LSM में ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा लोड के लिए यूज करते हैं, अल्टीमेट लोड तक के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि सेफ्टी इज चेक्ड एट अल्टीमेट लोड। देखिए, सेफ्टी हम लोग चेक करते हैं अल्टीमेट लोड पे, और जबकि सर्विसबिलिटी चेक किया जाता है सर्विस लोड पे। ठीक है, अल्टीमेट लोड पे क्या चेक करेंगे? सेफ्टी, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बता रखा था कि लिमिट स्टेट ऑफ मेथड के लिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी दोनों चेक करते हैं। कोलैप्स चेक करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसबिलिटी चेक करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग लाइफ। तो सेफ्टी के लिए हम लोग चेक करते हैं कि इसको अल्टीमेट लोड पर सेफ्टी का चेक होता है, जबकि सर्विसबिलिटी का चेक होगा जो वो हमारा किस पर होगा, सर्विस लोड पर चेक होगा या फिर वर्किंग लोड पर यह चेक लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कुछ 5-6 पॉइंट जो कि फीचर्स बताते हैं हमारे लिमिट स्टेट के बारे में। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लिमिट स्टेट का कि इसके एजम्पशन पर बेस्ड हमारा सारा डिजाइन होता है। पहला एजम्पशन ये कहता है कि प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग। बेंडिंग के बाद भी जो सेक्शन प्लेन है वो प्लेन ही रहता है। इससे यह पता चलता है, दिस इम्प्लाइज डैट स्ट्रेन वेरिएशन ओवर क्रॉस सेक्शन इज लीनियर। इससे हमें यह पता चलता है कि स्ट्रेन वेरिएशन जो होगा ऑल क्रॉस सेक्शन में वो क्या होगा, लीनियर होगा। मतलब कहने का ये कि जैसे हमारे पास कोई एक बीम है, हमने यहाँ पर कोई बीम को ड्रॉ किया, इस बीम को हमने सिंपली सपोर्टेड दिया हुआ है। ठीक है, इस बीम पर हमने सिंपली सपोर्ट किया हुआ है। इस बीम पर सपोज कोई UDL लोड अप्लाई हो रहा है, ये लोड जब अप्लाई होगा तो ये बीम क्या करेगा, अपना शेप चेंज करेगा। शेप चेंज करेगा मतलब क्या, इसमें कर्वेचर बनेगा, मतलब कर्व हो जाएगा, कुछ इस तरह का ये बीम बन जाएगा, कुछ ये बीम इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो पहले का हमारा डायग्राम था वो बीम हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, ऊपर से कंप्रेशन लगेगा और नीचे वाले फोर्स में हमारा टेंशन लगेगा। अगर हम सही से बनाना चाहें तो हमारा जो बीम है लोड लगने के बाद जो पहले स्ट्रेट लाइन हुआ करता था, अब वो कुछ इस तरह से कर्व बनेगा अगर हम सपोर्ट इस तरह से लगा दिए इस पर तो। ठीक है, तो इससे क्या मिलता है, कहता है प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब ये सेक्शन जो हमारा प्लेन पहले भी था, बेंड होने के बाद भी देखिए ये सेक्शन हमारा क्या है, अभी भी प्लेन है। मतलब क्या हुआ है कि ऊपर वाले प्लेन में क्या लगा, कंप्रेशन, कुछ इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स थे आपस में पास आते गए ऊपर वाले जो भी पार्टिकल्स थे बीम के, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में क्या लगा, टेंशन, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स आपस में दूर भागते हुए चले गए। तो इस कंप्रेशन और टेंशन से हम क्या देखते हैं, हमें ये क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा बीम कर्व हुआ था, जो ये बीम जो कर्व हुआ था, इस बीम में यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स होगा ये दूर भाग चुका होगा, यहाँ आ चुका होगा,
सिमिलरली यहाँ का मोलकुल्स कुछ इसके नीचे आ चुका होगा, यहाँ का मोलकुल्स कुछ नीचे आ चुका होगा, तो ऐसे ही। और जो यहाँ टेंशन फोर्स लगेगा, तो बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन हमारा था, ये बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन पहले हमारा प्लेन हुआ करता था बेंडिंग से पहले, तो ये मोलकुल्स कहीं दूर चला जा चुका होगा यहाँ पे, इसका मोलकुल्स कहीं यहाँ पे आ चुका होगा। मतलब ये कहने का कि जब हमारा ये बेंडिंग का जब हमारा बेंडिंग ये प्रोसीजर हो रहा होता है, तो इसमें ऊपर वाले पार्ट में कंप्रेशन अप्लाई होता है और नीचे वाले पोर्शन में टेंशन अप्लाई होता है, जिसके वजह से हमारा जो ये प्लेन सेक्शन था, ठीक है, बीम जो हमारे पहले बनाए थे, तो बीम में ये क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है। मतलब जो पहले हमारा स्ट्रेट लाइन था वो इंक्लाइंड होकर के कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हमारा कर देता है। तो मतलब क्या हुआ कि यह सेक्शन जो इंक्लाइंड हुआ है, ये पहले भी प्लेन था लेकिन अभी भी प्लेन है, उस चेंजेज का है, भले ही इंक्लाइंड हो गया है। तो ये हमारा जो वेरिएशन होता है, इसी को कहा जाता है स्ट्रेन वेरिएशन। और देखिए ये स्ट्रेन वेरिएशन क्या है, बिल्कुल लीनियर है। ये स्ट्रेन वेरिएशन क्या है, बिल्कुल लीनियर है, बिल्कुल ओवर द क्रॉस सेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बीम है ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन इसका था रेक्टेंगुलर का, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग लोड लगने के बाद इसमें बकलिंग आ गया, ये चेंज हो गया है, पहले सिंपली सपोर्टेड अभी भी है, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रेन वेरिएशन होगा, मतलब ये जो सीधी लाइन थी, यहाँ की ये जो सीधी लाइन थी, अब वो तिरछी हो चुकी होगी इस तरह से कुछ। क्यों? क्योंकि यहाँ का मोलकुल्स यहाँ ट्रांसफ़र हो चुका होगा ड्यू टू कंप्रेशन, एंड यहाँ का मोलकुल्स यहाँ ट्रांसफ़र हो चुका होगा ड्यू टू टेंशन। तो पहले हमारा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बना होगा, जो कि अब चेंज होने के बाद ये फॉर्मेशन कर रहा है, तो मतलब ये कि स्ट्रेन डायग्राम अगर यहाँ से बनाना चाहें, तो स्ट्रेन डायग्राम देखिए कुछ इस तरह का बनेगा। पहले हमारा स्ट्रेट लाइन था, तो स्ट्रेट लाइन तो डायग्राम में इसे ही बना दिए, और जो हमारा मोलकुल्स, यहाँ का मोलकुल्स कहाँ चला गया, आगे, यहाँ का मोलकुल्स कहाँ चला गया, पीछे में यहाँ की तरफ में, और इससे हमारा जो प्लेन सेक्शन ही पहले का था, अब ये सेक्शन क्या बन गया, इनक्लाइंड बन गया। तो इस डायग्राम को कहा जाता है स्ट्रेन डायग्राम, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेन डायग्राम। देखिए स्ट्रेन डायग्राम, पहले भी सेक्शन हमारा क्या था, प्लेन था, अभी भी सेक्शन ये क्या है, प्लेन है। तो ये डायग्राम को कहा जाता है स्ट्रेन डायग्राम, जिसमें लीनियर वेरिएशन क्या है, स्ट्रेन वेरिएशन क्या है, ये बिल्कुल भी लीनियर है। तो यही हमारा पहला एजम्पशन कहता है कि प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग। दिस इम्प्लाइज डेट, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेन वेरिएशन जो होगा ओवर द क्रॉस सेक्शन इज लीनियर, वो क्या होगा, वो लीनियर बनेगा, ठीक है। ये हमारा पहला एजम्पशन कंप्लीट होता है। दूसरा एजम्पशन कहता है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कंक्रीट में जो होगा वो 2.0035 से ज़्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब जो हमारा स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरह का बनाए थे, तो देखिए ऊपर में ये हमारा पार्ट क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो हमारा जहाँ से ये आपस में एक दूसरे पर इंटरसेप्ट किया हुआ है लाइन, इस लाइन को हम लोग न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है। बताएंगे आगे न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है। जनरली न्यूट्रल एक्सिस वह पॉइंट है जहाँ से टेंशन और कंप्रेशन अलग होना स्टार्ट होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर दोनों ही फोर्स इक्वल होते हैं, ठीक है। टेंशन इज इक्वल टू कंप्रेशन के बराबर आता है दोनों फोर्स, तो यह इस पॉइंट पर इक्वल होते हैं, उसको न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है। या ये ऐसा पॉइंट है जहाँ के मॉलिक्यूल्स कहीं गए नहीं हैं, यहाँ के मॉलिक्यूल्स आके ट्रांसफर कर चुके हैं यहाँ पे ड्यू टू अप्लाइड कंप्रेशन, यहाँ के मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो चुके हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही जितना भी इस पॉइंट पर हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये ट्रांसफर होकर के अपना पोजिशन चेंज कर चुके हैं। तो बीम में एक ऐसा पोर्शन आता है, एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ के मॉलिक्यूल्स कहीं ट्रांसफर नहीं लग रहे हों, बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में हो, ना तो वहाँ कंप्रेशन लग रहा है ना तो वहाँ पर टेंशन लग रहा है, तो उस पोजीशन को हम लोग कहा जाता है क्या, न्यूट्रल एक्सिस। उस पोजीशन को कहेंगे क्या कि वो पोजीशन हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। तो इसको कहा जाता है न्यूट्रल एक्सिस। और कंप्रेशन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेशन फोर्स से इसकी जो डिस्टेंस होती है वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है, जिसको हम एक्सिस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे इसके बारे में। तो अभी दूसरा एजम्पशन क्या कहता है कि हमारा जो स्ट्रेन डायग्राम बना था, स्ट्रेन डायग्राम में कहता है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन 0.0035। मतलब इसकी वैल्यू ये 0.0035 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसकी वैल्यू, तो हमारे पास जो ये स्ट्रेन डायग्राम का ये कंप्रेसिव पार्ट वाला है, किसका ही है, ये कंप्रेशन का है, ऊपर में कंप्रेशन यहाँ पर टेंशन लगता है। तो दूसरा हमारा क्या एजम्पशन बन गया कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन 0.0035 अंडर फ्लेक्चर कंडीशन के केस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा दूसरा एजम्पशन था।
तीसरा एजम्पशन देखिए, तीसरा एजम्पशन क्या कहता है, तीसरा एजम्पशन कहता है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होगा कुछ इस तरह से होगा, और उसमें हम कंक्रीट का पूरा स्ट्रेंथ यूज नहीं करेंगे जब हमको डिजाइन करना होता है। क्यों नहीं करेंगे तो ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर ये चीज़ दिखाया गया है कि इस कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया गया है स्ट्रेस और स्ट्रेन में, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का इसका जो डायग्राम है, पहले हमें कर्व मिलता है कुछ इस तरह से पैराबोलिक, जो कि आइडियलाइज या फिर एक्चुअल कर्व कहा जाता है। पहले जो कर्व मिलता है हमें बिल्कुल पैराबोलिक मिलता है स्टार्टिंग से एंड तक का, और इस कर्व को आइडियलाइज कर्व कहा गया है जो कि एक्चुअल कर्व होता है। IS 456 कोड देखेंगे जो कि कंक्रीट के लिए यूज होता है डिजाइनिंग के लिए, RCC स्ट्रक्चर के लिए, उस कोड में यह दिखाया गया है, यह बताया गया है कि ये जो कर्व होगा ये कर्व एक्चुअल के बाद एक और बनता है, ठीक है। ये जो कर्व होता है देखिए, ओरिजिनल ये जो कर्व बना है इस पर हमारा डिजाइन का स्ट्रेंथ जो होगा वो FCK के बराबर होगा। FCK क्या होता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, जानते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कि जो किसी भी ग्रेड का अगर हम बनाते हैं, जैसे M20 के लिए बनाए कंक्रीट, तो उस ग्रेड को हम 28 डेज क्यूरिंग के बाद जब हम CTM या UTM पर हम ले जाके अप्लाई करते हैं लोड को, तो जितना हमें लोड वहाँ से मिलता है जिस पर वो ब्रेक करता है, तो हमारा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेटिव स्ट्रेंथ होता है उसका। तो ये FCK वही होता है, लेकिन हमें वो जो वहाँ से लोड मिलता है, हमें वहाँ से जो लोड मिला वो क्या होता है, हमारा प्योर कंप्रेशन में होता है। क्या होता है, प्योर कंप्रेशन में होता है। मतलब ये कि अगर हम कोई क्यूब बनाए हुए हैं, मतलब ये कि हम कोई अगर क्यूब बनाए हुए हैं, इस क्यूब पर ऊपर से भी सपोर्ट है, लोड अप्लाई होता है, और नीचे से भी लोडिंग पैड होता है जिस पर ये बिल्कुल भी फिक्स होते हैं। तो दोनों साइड से कंप्रेशन लगने की वजह से जिस वेट पर ये क्यूब जो है ब्रेक करता है, टूटता है, वो हमारा कहता है क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाता है वो कंक्रीट का, ठीक है। लेकिन क्या यही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम कंक्रीट में डिजाइन करते समय हम यूज कर सकते हैं? हमारा आंसर होगा नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कंक्रीट में जो हम बीम बनाते हैं, क्या बताइए, बीम में दोनों तरफ से सपोर्ट है, ऊपर में तो स्लैब रहेगा, सपोर्ट है, क्या नीचे से सपोर्ट होता है? नीचे से सपोर्ट नहीं होता है बीम में, नीचे से ये फ्री होता है। तो यहाँ पर कंक्रीट का हम जो स्ट्रेंथ लेंगे वो FCK नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, यही हमको IS 456 कोड बताता है। देखिए यहाँ पर जो एक्चुअल कर्व दिया गया है, मतलब कंक्रीट का अपना स्ट्रेंथ बताया गया है जो कि FCK के बराबर होगा, जिसको हम डिजाइन में यूज नहीं करते हैं। एक दूसरा कर्व दिया गया है जो कि पहले पैराबोलिक होता है कुछ दूर तक, उसके बाद से वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाता है, बिल्कुल क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन आ जाता है। इस कर्व को कहा गया कि कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहा गया है। मतलब ये कि स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट को डिजाइन किया गया है, कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो उस स्ट्रक्चर में कंक्रीट का अपना स्ट्रेंथ, कंक्रीट का खुद का स्ट्रेंथ कितना होगा, वह यह कर्व डिफाइन करता है कि वह कर्व का स्ट्रेंथ कितना होगा। तो उस कर्व के लिए ये जो इसका FCK का अपना पूरा वैल्यू था, टोटल में 1.5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.67 FCK। मतलब कि टोटल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का 67% जो स्ट्रेंथ होता है, तो टोटल का 67% स्ट्रक्चर में लगा हुआ कंक्रीट का अपना स्ट्रेंथ होता है। मतलब जो हम बीम बनाए हुए हैं, बीम में लगा हुआ कंक्रीट का खुद का स्ट्रेंथ कितना हुआ, वो 67% ही होता है, ठीक है। तीसरा जो कर्व दिया हुआ है IS 456 में, वो ये दिया है कि इससे भी एक छोटा कर्व बना है और वो भी जा करके थोड़ी देर के बाद में वो भी स्ट्रेट हो चुका है। इस कर्व को कहा गया है डिजाइन कर्व। तीसरे कर्व को कहा गया है क्या, डिजाइन कर्व। इस कर्व के डिजाइन कर्व इसलिए कहा गया क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक जो कि स्ट्रेंथ में कंक्रीट का अपना स्ट्रेंथ है, उसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड देने के बाद जो बचता है 0.45 FCK, इसको कहा गया कि डिजाइन स्ट्रेंथ आप एज ए कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। मतलब ये कि हमारे पास जो कंक्रीट आया, जैसे M20 हमारे पास है, तो M20 में FCK की वैल्यू होती है 20 न्यूटन पर mm², ठीक है, 20 होता है। तो हम जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें पूरा 20 यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्यों, ये 20 जो मिला है ये प्योर कंप्रेशन कंडीशन में मिला हुआ है,
लेकिन जब हम बीम का डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब हमें प्योर कंप्रेशन कंडीशन बीम में नहीं दिखता है। बीम जो भी घर में हमारे होते हैं बनते हुए आप सभी ने देखे होंगे, वहाँ पर बीम जो होगा एक तरफ से ऊपर से स्लैब में सपोर्टेड होगा लेकिन नीचे से कोई सपोर्ट उसका नहीं होता है। तो इस केस में जो भी हम यूज करेंगे वो टोटल का 45% ही यूज करेंगे, मतलब 45% का यूज करें मतलब 9 न्यूटन पर mm² का इसका आएगा, कंक्रीट का ये स्ट्रेंथ आएगा। तो इस वजह से हम लोग इसमें यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे एजम्पशन नंबर 3 के बारे में। डिटेल्स में हम लोग इसका बात करेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक जब यहाँ निकालना होगा तो हम उसकी बात करेंगे। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर जो हमें डिज़ाइन के लिए दिया था कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट में जो आना चाहिए 0.035 आना चाहिए और मिनिमम कितना देखिए 0.02 से, ये प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, प्रैक्टिकल करके देखा गया कि कंक्रीट पर अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेन हम अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक होना शुरू होता है। वो भी ब्रेक कहाँ से होगा, टेंशन एरिया से, यानी कि नीचे से ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम स्केल दें, जैसे कि स्केल आप लीजिए, स्केल को बेंड कीजिए, ऊपर से फोर्स लगाइए विद हेल्प ऑफ फिंगर और उसको बेंड करेंगे तो देखिए स्केल बेंड होते होते ऐसा कंडीशन आएगा जो कि ब्रेक करना शुरू करेगा, और ब्रेकिंग हमेशा नीचे से होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेंशन अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेन जो कंक्रीट में अप्लाई कर सकते हैं ये होगा 0.035 का, मिनिमम होता है 0.02 का। अगर इसके ऊपर का स्ट्रेन अप्लाई करते हैं तो हमारा कंक्रीट क्या होगा, क्रैक कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा एजम्पशन। चौथा एजम्पशन हमारा ये कहता है, चौथा एजम्पशन कहता है कि टेंसाइल स्ट्रेन जो हैगा कंक्रीट का, ये इसको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंक्रीट को इग्नोर करना है, मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास कोई सिंगली बीम है, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम हमने बनाया, यहाँ पर हमारा स्ट्रेंथ रिइंफोर्समेंट को हमने दिखाया हुआ है, यहाँ से कुछ इसका न्यूट्रल एक्सिस पास कर रहा होगा, न्यूट्रल एक्सिस, ऊपर में फोर्स अप्लाई होता है कंप्रेशन का, नीचे में फोर्स अप्लाई होता है टेंशन का। तो चौथा जो इंपॉर्टेंट अजम्पशन कहा गया है वो कहता है कि कंप्रेसिव फोर्स कंक्रीट में क्या लगेगा, यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, नीचे में टेंसाइल फोर्स लगेगा। तो कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर करना है, मतलब कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेस होगा ही नहीं, कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेस होगा ही नहीं, मतलब इतना न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो एरिया है इसके कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का एरिया है इस पे लगा हुआ जो कंक्रीट है इसके स्ट्रेंथ को हम लोग इग्नोर कर देना है, इसको काउंट करना ही नहीं है। ठीक है, इसके एक स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देना है, काउंट करना नहीं, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ ये क्या है, नीचे यहाँ पर टेंसाइल एरिया है, टेंशन लगता है यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट में टेंशन अप्लाई होता है। तो इस यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन फोर्स जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, कंक्रीट में कोई भी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कि कंक्रीट एक ब्रिटल मेटल होता है और उस पर वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन में वीक होता है। तो कंक्रीट का अपना कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, इसलिए इसका हम कोई इग्नोर कर देंगे टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ को। तो बात ये है कि यहाँ जो कंक्रीट यूज हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कि ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट हम यूज करेंगे नहीं, सिर्फ ऊपर में करेंगे, तो यहाँ जो यूज करेंगे ये बिल्कुल क्रैक्ड कंडीशन में होता है ऐसा हम मान के चलते हैं। तो यहाँ जो कंक्रीट यूज होगा बिल्कुल ही वेस्ट है, उसका हमारे स्ट्रक्चर डिज़ाइन पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब हम डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ के एरिया को हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि यहाँ पर कंक्रीट तब हम लोग डालते क्यों हैं, क्यों हम इसका कॉस्ट इंक्रीज करते हैं। अगर यहाँ की बात किया जाए, जब इसके स्ट्रेंथ को इग्नोर ही करना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इस कंक्रीट का हमें लेना ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कंक्रीट यूज करते क्यों हैं, क्यों इसका स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या होगा कि ये जो रिइंफोर्समेंट यहाँ पर दिया गया है, इस रिइंफोर्समेंट के पोजीशन को अपने एक्यूरेट पोजीशन में होल्ड करके रखने के लिए, अपने ओरिजिनल पोजीशन से ये डिस्प्लेस ना हो, उसके लिए हमको यहाँ पर कंक्रीटिंग करना पड़ता है। लेकिन ये कंक्रीटिंग हमारे टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होता। टेंसाइल स्ट्रेंथ लगने वाला कंक्रीट पर जो टेंसाइल आएगा उसको बियर करेगा कौन, इसमें लगा हुआ है रिइंफोर्समेंट, इसमें लगा हुआ है रिइंफोर्समेंट, इस चीज़ को क्या करेगा, बियर करेगा। तो कंक्रीट पे कहा गया चौथा एजम्पशन में कि कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर करना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को काउंट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा एजम्पशन। ठीक है, पांचवा एजम्पशन कहता है कि हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है माइल्ड स्टील या फिर HYHD बार का, वो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, उसकी वैल्यू कुछ दी हुई है। देखिए माइल्ड स्टील के केस में
माइल्ड के केस में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है कुछ इस तरह से बना होता है कि पहले स्ट्रेट लाइन होता है, फिर अपर यील्ड पर जाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग का रीजन आया, फिर यहाँ पर अल्टीमेट एंड देन फ्रैक्चर हुआ है। तो यहाँ जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर कितना आएगा अल्टीमेट का एफ वाई का, जो कि हम डिजाइन नहीं करते हैं। डिजाइन कितना पे करेंगे तो इससे कम पे, कितना कम करेंगे तो 0.87 एफ वाई पे। जब हम डिजाइन लोड बता रहे थे, डिजाइन लोड और डिजाइन स्ट्रेंथ बताए थे, तो वहाँ पर हमने बताया था कि कॉन्क्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ आएगा कितना 0.45 एफ सी के, एंड स्टील के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ कितना आएगा 0.87 एफ वाई। देखिए एफ वाई आएगा। तो यहाँ पर कंक्रीट के लिए हमने ऊपर बात कर लिया था तीसरा एजम्पशन में, चौथा एजम्पशन में हम किसकी बात कर रहे हैं तो ये एफ वाई की बात कर रहे हैं। तो टोटल का 87% हमको यूज करना है। तो देखिए यहाँ का इस पार्ट पर कितना एफ वाई है, मतलब 100% है। तो इससे 100% तो 87% ही हमको डिजाइन के लिए यूज करना है, तो इससे कुछ नीचे ही आएगा। और नीचे कितना होगा तो कुछ हम नीचे यहाँ पर एज्यूम कर लिए कि ये वैल्यू जो होगा यहाँ पर 0.87% ही होगा। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, चूँकि ये तो हमारा इंक्लाइंड कर्व है, ये हमारा इंक्लाइंड कर्व है। इस पर हम जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ यहाँ से वैल्यू देता है, ये वैल्यू जो देगा, ये जो वैल्यू हमें देता है ये होता है 0.87 एफ वाई बट्टा में ई एस। अगर इस वैल्यू को हम निकालें तो कुछ इस तरह से ये वैल्यू हमें दिखता है। अगर ई एस की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, जहाँ ई एस होता है मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी एंड एफ वाई है ग्रेड ऑफ स्टील का। एफ वाई क्या है? ग्रेड ऑफ स्टील है। देखिए कहीं भी कभी भी डिजाइन करते हैं, ये हमारा एक्चुअल कर्व होता है। ये क्या है? ये एक्चुअल कर्व है। एक्चुअल कर्व पर डिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो स्ट्रेंथ होता है वो ओरिजिनल स्ट्रेंथ इस कंक्रीट में बनने के बाद उतना हमें नहीं मिल पाता है। तो कुछ वैल्यू को हमें डिजाइन के परस्पेक्टिव से कम लेके चलना पड़ता है। कितना कम लेंगे ताकि हमारा उसमें सेफ्टी और कोलैप्स दोनों ही चेक हो जाए, तो उस स्टील के केस में 0.87% लेते हैं, कंक्रीट के केस में 45% ही लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं एच वाई एस डी बार के लिए। तो ये सेम कंडीशन एच वाई एस डी बार में भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर एच वाई एस डी बार का मतलब क्या है? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होता है। देखिए बहुत सारा मेटल में उसका अपना यील्ड पॉइंट डिफाइन नहीं होता है, तो जिस मेटल में ये डिफाइन नहीं होता है वहाँ पर यील्ड पॉइंट डिफाइन करने के लिए, यील्ड पॉइंट मतलब एफ वाई कहाँ पर होगा, एफ वाई से हमें क्या लेना होगा 0.87 एफ वाई जहाँ पर डिजाइन करना है। तो यहाँ देखिए ये एक्चुअल कर्व कुछ इस तरह से मिलता है, इसमें एफ वाई डिफाइन नहीं हो पा रहा है कहाँ पर एफ वाई होगा, मतलब इसका 100% कर्व में कहाँ पर हम दिखाएं, इस पॉइंट पर दिखाएं, इस पॉइंट पर दिखाएं, इस पॉइंट को कहें, इस पॉइंट को कहें, कहाँ हम एफ वाई कहेंगे, नहीं मिल पाता है। तो इस केस में करते क्या है कि जो हमारा ये स्ट्रेट लाइन आया हुआ है, स्ट्रेट लाइन जो पहले बना हुआ है, इसके बाद जहाँ से पैराबोलिक बनना शुरू हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन तक हम ओरिजिन से ही स्ट्रेट लाइन तक उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि होता है 0.2% डिस्टेंस के साथ में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। यह लाइन जहां जाके इंटरसेक्ट करता है इस कर्व पे, यह जो पैरेलल लाइन होगा ये जहां जा करके इंटरसेक्ट करेगा, यही पॉइंट हमारा होता है यील्ड पॉइंट। जिस मेटल में अपना यील्ड पॉइंट उसका क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, उस मेटल के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो स्ट्रेट पोर्शन होता है, लीनियर पोर्शन, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 0.2% स्ट्रेन होता है। 0.2% क्या ही है, ये स्ट्रेन का हमारा वैल्यू है। तो 0.2% स्ट्रेन लगाने के बाद उसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यह लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वो वैल्यू होता है हमारा किसका, एफ वाई का। तो ये हमारा फुल वैल्यू हो गया किसका, एफ वाई का यहाँ पर। लेकिन हम डिजाइन करते हैं क्या एफ वाई पर, एफ वाई पर डिजाइन नहीं करेंगे। कितना पे करेंगे, 0.87 एफ वाई पर डिजाइन करेंगे, इसका 87% पे डिजाइन करेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा इससे थोड़ा सा नीचे होगा, तो सपोज हमने मान लिया कि वो पॉइंट का यहाँ पर लाइक कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो हमने पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसकी वैल्यू कितनी थी, 0.002। एंड जब ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन था, अब ये सॉरी कर्व लाइन था ये, तो कर्व लाइन से हम जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ एक अलग वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू होती है 0.87 एफ वाई बट्टा में ई एस, जो कि ऊपर में भी ऐसा ही था 0.87 एफ वाई बट्टा में ई एस, यहाँ भी ऐसा ही वैल्यू था, ये सेम वैल्यू यहाँ भी आएगा 0.87 एफ वाई बट्टा में ई एस। तो टोटल दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों को ऐड करने के बाद कुछ ये हमें वैल्यू फाइंड आउट होता है। मतलब ये छठा जंक्शन, मतलब ये कहा गया कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन, टेंशन यानी कि जो रीइन्फोर्समेंट यूज किया गया है, जो टेंशन फोर्स को कैरी करेगा, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम स्ट्रेन 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई के बराबर होना चाहिए। या फिर इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ वाई बट्टा में 1.15 ई एस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल यहाँ पे 6 एजम्पशन, और उसके एजम्पशन के थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किए हैं कैसे क्या क्या एजम्पशन है।
आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसके बार बेस्ट न्यूमेरिकल सारे कराऊंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी समझ में आए होंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैसेज ज़रूर करें, मैं कोशिश करूँगा उसको फिर से समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।